पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। बंगाल तो इससे सुलग ही रहा है, लेकिन देश भर में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कहा जा रहा है कि लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया है। इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर गुस्से में हैं और देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त की रात कोलकाता के सार्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के हमले ने डॉक्टरों को और आक्रोश में भर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि हम अपने साथी को न्याय दिलाने और अन्य डॉक्टरों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल पर हमला करके सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है और हमें डराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स दिल्ली के एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर हमला सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए किया गया है। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आंदोलन कर रहे कुछ डॉक्टरों का भी यही मानना है कि यह हमला सबूतों को मिटाने के लिए ही किया गया। अब अनफॉर्चुनेट बोलने का भी जगह नहीं है। मैं अशेम्ड कि इन द इवनिंग ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इतना भयानक एक घटना घट गया। सबसे बड़ा बात है कि मतलब एक तो नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है कि डॉक्टर्स वर्सेस कॉमन पीपल, ये नैरेटिव बहुत दिन से ही क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। और जितना भी डॉक्टर्स मूवमेंट होता है, हर मूवमेंट में ये नैरेटिव क्रिएट करके मूवमेंट का डायरेक्शन घुमाने का कोशिश किया ही जाता है। तो कल भी वैसा एक बहुत ख़राब कोशिश किया गया, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस नैरेटिव के लिए ये वाला किया गया, उससे भी बड़ा जो बात है, जो हम लोगों ने बार बार पुलिस को वार्न किया, पुलिस को बताया कि हमारे चेस्ट डिपार्टमेंट ने सेमिनार रूम जो है उसके अगल बगल में जो सब रूम है वो विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी पुलिस को पता ही नहीं है कि वहाँ पे तोड़ा गया है, लेकिन वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग जाके पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा, क्या किया, बोले मैं तो अपना शिफ्ट में आया हूँ, पिछला शिफ्ट में कौन था मेरे को नहीं पता। उसके बाद भी कल कैसे इमरजेंसी में इतना लोग घुस के आया, और इससे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उन लोगों ने हम पे उतना अटैक नहीं किया। वो लोग अपना पॉलिटिकल बैनर के जगह से आया होगा या नहीं होगा ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि इंडिया का फ्लैग लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें एक भी महिला नहीं है, कल का प्रोग्राम था महिलाओं का, वो ग्रुप ऑफ पीपल आया था सिर्फ यहाँ पे अटैक करने, एक भी महिला नहीं है, सब दारू पी के है, वो लोग आके हमारे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग ने पहले सोचा कि बैरिकेड में उन लोग का मदद करे, ये सब हम लोग भी तो उन लोग के साथ ही थे वहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, बगल बगल से पुलिस निकला जा रहा है। फिर जब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे थिन आउट हो गया है, कोई और चारा भी नहीं है, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग पीछे ही हटके आएंगे, पीछे हटके आके यहाँ पे मंच में आएंगे। उस टाइम भी हम लोग सोच रहे थे कि ये नॉर्मल प्रोटेस्टर्स हैं या एजिटेटेड प्रोटेस्टर्स हैं, तो वो लोग ऑफकोर्स धरना मंच को तो नहीं कुछ करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, इस भरोसे से हम लोग धरना मंच में, मैं अकेला धरना मंच में आ गया था, क्योंकि उस समय सब एक कैओस का मोमेंट हो गया था, सब कोई डर गए थे, सब चारों तरफ सब भाग गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आ गया था। तो उसके बाद मैं शॉक्ड हो गया कि लोग यहाँ पे आके चेयर तोड़ रहा है, धरना मंच तोड़ रहा है। बार बार हम लोग उन लोगों को बोल रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए, हम लोग का ये मंच मत तोड़िए, वो लोग हम लोग आपके बात बिना सुने बिना कुछ सीखे, वो लोग मतलब फुल्ली मोटिवेटेड थे, फुल्ली देवर ट्राइंग टू सैबोटेज अस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि कुछ चीजें बहुत सिग्निफिकेंट है कि सबसे पहला टारगेट आपका धरना मंच था, दूसरा टारगेट इमरजेंसी और फोर्थ फ्लोर में जो है सेमिनार रूम में जो क्रूशियल एविडेंस है वो लोग थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए थे, सीसीटीवी को तोड़ना, ये क्या चीजें पिन पॉइंट करती है कि आपके मूवमेंट को खत्म करने का और एविडेंस को टेम्पर करने की एक जो है प्री प्लान्ड एक योजना थी? देखिए, आप ये दोनों एजम्पशन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये घटना हर रोज हो रहा है, हर रोज एविडेंस टेम्परिंग का कोशिश चल रहा है, हर रोज कोशिश किया जा रहा है कैसे मूवमेंट को सैबोटेज किया जाए, कैसे मूवमेंट को कार्ब किया जाए। एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना के बाद इस अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच भी उपद्रवी अस्पताल में कैसे घुसे और किस तरह का तांडव मचाया, ये आप इन तस्वीरों से समझिए। कल
रात 12:35 को ये हादसा हुआ, जिस टाइम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सब चीज तोड़फोड़ हुई है, लाइट से लेके फैन से लेके जो वार्ड का डिवीजन होता है वो से लेके सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेड्स भी है ये इमरजेंसी के, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेम्स जो सिर्फ खड़े हैं, ये बेड्स भी बहुत ही खराब हालत में है। स्टोर रूम से लेके डायलिसिस रूम से लेके एडमिशन रूम से लेके हर जगह का हालत एक ही है। हम आगे जाके आपको दिखाएंगे, इधर अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप आए तो आप देख सकते हैं कि ये साइड जो है ये नर्सिंग स्टेशन है, और ये वाले रूम में आप देख सकते हो जो मेडिकल सप्लाईज है वो जमीन पे गिरे हुए हैं। इधर का जो पूरी तरह से आप कमरे का हालत देख सकते हैं बहुत ही खराब है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ नीचे गिरा हुआ है। हमला जब हुआ तो पुलिस वालों ने लोगों को कैसे सुरक्षा दी ये वहाँ मौजूद इस नर्स से जानिए। नाइट ड्यूटी पे थी तो विथ यूनिफॉर्म हम लोग थे तो कुछ कर नहीं सकते ना, हम लोग को पेशेंट के पास रहना ही पड़ेगा। तो सडनली हम लोग देख रहे थे पूरा रास्ता मॉब से भर गया, मतलब जो गुड पीपल कॉमन पीपल जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, तो वो एक अलग ही नजरिया है। सडनली देखा कि एक मॉब दरवाजा जो बैरिकेड था सिक्योरिटी था उस वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे, तो हम लोग सोचा शायद वो लोग अंदर आएगा, फिर इतने प्रेशर से और इतना मतलब गुस्से से, मतलब एक दानव जैसा था उन लोगों के अंदर। कौन सा फ्लोर और किस डिपार्टमेंट में? मैं तब ट्रॉमा जो ट्रॉमा केयर यूनिट है उसकी 6th फ्लोर पे था हम लोग, वहां से वो पूरा ऊपर है उधर से पूरा देख सकती थी। जी एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो उस लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया, और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा, मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है, तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई, और पेशेंट्स भी थे मरीज, हाँ पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते, मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था, मतलब कैसे वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते। फिलहाल हमले के आरोपी 19 लोगों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में और अपडेट दे रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता मोहित ओम। आरजीकार हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस की जांच लगातार तेज हो रही है। कोलकाता पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोगों को यहां पर डिटेन किया गया है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि उन वीडियोस को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं या उनके जो लोकल इनपुट यूनिट्स है वो उनको जो वीडियोज प्रोवाइड कर रही है उसमें उन चेहरों की पहचान की जा रही है जिन्होंने कोलकाता के आरजीकार हॉस्पिटल में देर रात आके यहां पर तोड़फोड़ की थी। तो अभी तक फिलहाल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और खुद कोलकाता पुलिस ने इस मामले के अंदर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और लोगों की तस्वीरें साझा की हैं जिन्होंने यहां पर आकर तोड़फोड़ की थी। अगर बात करें उस जगह की जहां पे जब सबसे ज्यादा तोड़फोड़ देखने को मिली थी, तो यहां पर आज कोलकाता पुलिस के खुद जवान यहां मौजूद हैं, उसके अलावा लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां बिठाया गया है, इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। ये वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई थी, इसके 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां पर उस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई ने कल देर रात यहां की जो प्रिंसिपल है उनको अपने साथ ले गई थी, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, और आज सीबीआई यहां पर दोबारा आ सकती है, दोबारा यहां पर कुछ लोगों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। अगर लोकल पुलिस की बात करें तो लोकल पुलिस की एफएसएल की टीम आज यहां पहुंचेगी और यहां पर उन साइंटिफिक एविडेंस को उठाएगी जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई थी, वो प्रोटेस्ट साइट जहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अलावा सेमिनार हॉल जहां पे तोड़फोड़ की जानी थी, या जिस जो इमरजेंसी ब्लॉक है जहां पे प्रोटेस्ट जो हमलावर वो घुसे थे, उन जगहों के साइंटिफिक एविडेंस जो एफएसएल की टीम यहां पे आके आज कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा सारा दिन आज कोलकाता के अंदर अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, खुद ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है आरोपी की फांसी की मांग को लेकर,
लेकर। उसके अलावा बीजेपी यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी का महिला मोर्चा यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, यहाँ पे जगह जगह पे घेराव देखने के लिए मिलेंगे। खुद ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है वो पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल कर रही है। तो आज पूरे देश भर के अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे जांच की, तो कोलकाता पुलिस की जांच तेज हुई है और अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कोलकाता पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। हॉस्पिटल पर हुए इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। देखिए, एनआरएस कांड में जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके की रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गए, घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की धमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही, पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्य पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम आवर पोस्ट, उनको रिजाइन करना चाहिए। और इसी को सामने रखते हुए कल से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा शुरू करेगी। एक हम आरजी करके वहां डेमोन्स्ट्रेशन, सीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो रात में भी चलेगा, मैं खुद बैठूंगा, जरूरत पड़े तो रात में मैं खुद रहूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा वहां पे न्याय के लिए और मुख्यमंत्री के बदत्ताक के लिए उनके रेजिग्नेशन। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ यह खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात हुई। 31 वर्षीय डॉक्टर जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी, उसने अपने साथियों के साथ खाना खाया और इसके बाद सेमिनार हॉल में चली आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही संजय रॉय उसके पीछे चला आया और इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता है। फिलहाल CBI ने संजय रॉय को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और मामले की जाँच तेज कर दी है। लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस घटना के बाद से ही डॉक्टर हड़ताल पर हैं और वे न्याय दिए जाने तक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं।